हेलो फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे बहुत से वीडियो देखे होंगे। आज अपन बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके कंपाउंड। सबसे पहले कार्बन होता क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। क्या है कार्बन? नॉन मेटल है, धातु, जिसको अपन C6 से डिनोट करते हैं। उसके बाद एटॉमिक नंबर, जो नीचे अपन 6 लिखते हैं ये होता है इसका एटॉमिक नंबर, ऊपर जो 12 लिखते हैं ये 12 बैक साइड में भी लिखते हैं, तो ये है उसका मास नंबर, यानी कि इसका मास कितना होता है 12 amu। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में 2 और 2p2, इस तरीके से 2 2 2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके एटॉमिक नंबर के बराबर 6 इलेक्ट्रॉन। और कुछ इसको इस तरीके से भी दिखाते हैं, 2 2 और 2, और कुछ इसको ऐसे बताते हैं 2,4, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का बाय कोस है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि पी कोस में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? टोटल P^6, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना कंप्लीट कर पाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कंप्लीट हो जाती है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। इसलिए इसके इसको कितने की रिक्वायरमेंट है? 4 की, क्योंकि ये जब 8 होगा तो इसको 4 और चाहिए। उसके बाद इसमें बॉन्ड टाइप, यानी इसमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, तो इसमें सिंगल बॉन्ड भी पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड भी पाए जाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी पाए जाते हैं। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं CH4 का, और ये सारे के सारे बॉन्ड कौन से होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। वो पेयरिंग के कारण, इसका कारण क्या है? पेयरिंग, ये एक दूसरे से पेयर करते हैं। जैसे CH4 है तो अपना C, थोड़ा नीचे लिखते हैं, सी एच 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 एच, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अभी बताया था कि जो टोटल 6 बनाने के लिए इसको कितने की रिक्वायरमेंट और चाहिए? 4 की, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती? 4। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, और कार्बन हाइड्रोजन के पास सबके पास 1-1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस तरीके से ये क्या करता है? अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेता है। इस तरीके से इसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर लेता है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स ना ही तो कार्बन के हैं और ना ही हाइड्रोजन के हैं, ये क्या है? पेयरिंग है, शेयरिंग है। जिस तरीके से दो फ्रेंड्स होते हैं वो मिलके कोई कपड़ा खरीदते हैं, वो ना तो उसका होता है ना खुद का होता है, उसको दोनों मिल बांट के काम में लेते हैं। उसके बाद है कार्बन कंपाउंड, यानी कि कार्बन जो इसकी एक बुक से बन चुकी है कार्बन कंपाउंड्स की। ये क्यों है? क्योंकि कार्बन के कंपाउंड्स बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि इसमें कौन कौन सी वैलेंसी पाई जाती है? 1 2 3 4, क्योंकि इसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसकी वैलेंसी 4, तो इसके पास वैलेंसी पाई जाती है। फिर इसके पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इस तरीके से कार्बन कंपाउंड्स बहुत सारे पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी टेट्रावेलेंसी, जो अभी अपन ने बात कर ली यहाँ पर, किसके पास? टेट्रा मीन्स 4, यानी कि 4 वैलेंसी इसकी होती है, 1+1+2+3+4। उसके बाद
कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है कि कार्बन है वो अलग अलग तरीके से अपने कंपाउंड्स बनाता है, जैसे चेन के रूप में, उसके बाद ब्रांचेज के रूप में, यानी कि कहीं पे भी इसकी ब्रांचेज हो सकती है। फिर इसके बाद कार्बन कुछ इस तरीके से भी अपने कंपाउंड से कंप्लीट करता है। तो कार्बन में ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कैटिनेशन कहलाती है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, ये जो अभी अपन ने बात की, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये प्रॉपर्टी इसकी कहलाती है कैटिनेशन। इसके बाद आइसोमेरिज में, यानी समरूपता, जैसे अपने न्यू पेंटेन का एग्जांपल लेते हैं, या पेंटेन का लेते हैं, पेंटेन, न्यू पेंटेन और आइसोपेंटेन, इनका फॉर्मूला होते सेम होते हुए भी इनकी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, यानी स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम जबकि स्ट्रक्चर डिफरेंट। जैसे पेंटिंग की पेंट पाइप है तो C5H12 है। इसकी जो अपन स्ट्रक्चर्स देखते हैं वो डिफरेंट आती है, जैसे C5 हो गए, C5H12 है, इस तरीके से टोटल कार्बन की भी फॉल्ड जो बॉन्डिंग है वो कंप्लीट हो रही है और साथ में हाइड्रोजन 12 हो रहे हैं। तो ये हो गए पेंटेन। इसके बाद आइसोपेंटेन, यानी जो सी है उसके, अब इनकी एक ही हो गया टोटल कार्बन, इसके अंदर 12 कार्बन टोटल 5 और हाइड्रोजन 12 है, और एक हो गया अपना, यानी कि कार्बन को एक ही कहीं पे भी अपन ब्रांच के रूप में ले ले, वो कहीं पे भी ले सकते हैं अपन। इसमें भी टोटल 12 हो गए हाइड्रोजन और कार्बन हो गए 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से ये कार्बन की अपनी बेसिक नॉलेज कंप्लीट होती है। इसके बाद अपने पॉइंट्स आते हैं हाइड्रोकार्बन या टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसके कंपाउंड्स हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के जो मिलके कंपाउंड्स बनते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन मेनली टू टाइप्स के होते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन होते हैं उनको असाइक्लिक बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर साइकिल होता है वो कंप्लीट नहीं बनता, और क्लोज चेन वो होते हैं जिनमें साइकिल कंप्लीट बनता है, जैसे ओपन चेन C C C C, और ये एच से अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपन की कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा किसी की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनका नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन। तो ये हो गया ओपन चेन। उसके बाद क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन जैसे C C C C, इसकी वैलेंसी अपन को कंप्लीट करनी है 4, तो 2 तो है और इसके अंदर 2 हाइड्रोजन्स और ऐड कर देंगे, इसी तरीके से इसमें भी 2 हाइड्रोजन्स ऐड कर देंगे, इसी तरीके से इसमें भी 2 हाइड्रोजन्स ऐड कर देंगे। ये क्या हुआ, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब सबसे पहले ओपन चेन की बात करते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी 2 टाइप्स के
होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी जिसमें अपनी हाइड्रो जिसमें कार्बन की वैलेंसी केवल और केवल हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट की जाती है उसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जिसमें कार्बन की वैलेंसी बॉन्ड प्लस यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड में एल्केन होता है। और अनसैचुरेटेड में एल्किन और एल्काइन होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो एल्केन होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहां पे n क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे अपन अभी यहां पे एग्जांपल लिए 1, 2, 3, 4 C^4, तो C4H2×4+2, यानी कि C4H10 का ये एग्जांपल है। तो चेक करते हैं इसमें यही क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो C4H10, तो ये क्या हुआ एल्केन। एल्केन में भी कौन सा हुआ, मेथ एट प्रोब्यूट, तो ये हुआ ब्यूटेन, क्या हुआ ब्यूटेन। अब अपन बात करते हैं एल्केन की, तो एल्केन में क्या होता है डबल बॉन्ड पाया जाता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसमें डबल बॉन्ड चेंज कर लेते हैं अपन किसी एक को, तो मान लिया इसको अपन डबल बॉन्ड बना लिया, तो इसकी जो वैलेंसी है वो कुछ इस तरीके से कंप्लीट होगी 2, 3 और 4 होगी, इसमें भी 2, 3 और 4। तो चेक करते हैं एल्कीन का फॉर्मूला होता है अपने पास CnH2n, तो n की पावर 4 है अपने पास, तो C4H2×4, तो C4H8, अब काउंट करते हैं H8 ये क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि अपना फॉर्मूला सही है। अब एल्काइन, एल्काइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, जैसे इसमें प्लस 2 होता है तो इसमें क्या होता है -2। तो अगर अपन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है, हो गई। अब अपन C4H8-2, तो C4H6, तो कार्बन 6 है क्या इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये किसका फॉर्मूला हुआ एल्काइन या ब्यूटाइन, और ये हुआ ब्यूटेन, ये ब्यूटेन, ये ब्यूटीन और ये ब्यूटाइन। अब बात करते हैं अपन क्लोज्ड एंड हाइड्रोकार्बन, एस एनीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यानी जिसमें केवल और केवल एल्केन की तरह सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो एनीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और जिसमें एरोमेटिक यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे अपना ये एग्जांपल, या अपन हेक्सेन का भी ले सकते हैं, पेंटेन हेक्सेन किसी का भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं। इसके लिए वैलेंसी अपन हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लेंगे, तो H2
इसी तरीके से एरोमेटिक सेम अपन सिक्स कार्बन से लेते हैं, इसमें भी सिक्स हो गए। अब क्या करते हैं अपन इसमें इस तरीके से डबल बॉन्ड को लगा देते हैं, एक को छोड़ के एक को। अब इसकी वैलेंस थ्री पहले से है और एक हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन अपन ने ऐड कर दिया। इसे नॉर्मली अपन बेंजीन भी बोलते हैं, इसको नॉर्मली अपन इस तरीके से डिनोट करते हैं। और इसको अपन हेक्सेन बोलते हैं, इसको नॉर्मली इस तरीके से अपन डिनोट करते हैं। इसके साथ अपना हाइड्रोकार्बन के टाइप्स भी कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं अपन नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका नामकरण। तो नामकरण आपकी बुक में थ्री टाइप्स का दिया हुआ है। ट्राइबल सिस्टम, यानी जो प्राचीन समय से चला रहा है, इसको हिंदी में बोलते हैं रूढ़ पद्धति। डिराइव्ड सिस्टम, व्युत्पन्न पद्धति। आईयूपीएसी सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। तो इन नामकरण के लिए अपन को सबसे पहले ये थ्री जो टेबल्स दिए मैंने आपके पास, ये आपको लर्न होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर प्रीफिक्स फिक्स किए जाते हैं, जैसे अभी अपन ने पीछे बात की थी पेंटेन की, मेथेन की, वैसे। तो C1 को मेथ बोलते हैं, 2F, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप, 8 ओक, 9 नोन, 10 डेक। इस तरीके से कार्बन के आधार पे प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं, जैसे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। उसके बाद नंबर ऑफ आइडेंटिकल सब्सटेंट वर्ड यूज, यानी कि सेम तरीके के शब्द हो। ये जैसे मेथिल है, ये टू टाइम्स बार आ गया हो तो अपन कौन से यूज करते हैं, जैसे अगर वन टाइम हो तो मोनो, टू टाइम डाई, थ्री टाइम ट्राई, फोर टाइम टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नोना, डेका। इस तरीके से अपन अगर ये हमारे सब्सटेंट्स मल्टीपल्स टाइम पे हो तो अपन इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब ये सब्सटेंट ये मुख्यतः काम में लिए जाते हैं जिनको अपन ने यहाँ पे दिया है, जैसे मेथिल मेथ से बना है मेथिल, एथ से बना है एथिल, प्रोप से बना है प्रोपिल, और आइसोप्रोपिल प्रोपिल, ब्यूटिल, क्लोरीन से क्लोरो, ब्रोमीन से ब्रोमो, आयोडीन से आयोडो, क्लोरीन से फ्लोरो, नाइट्रो से नाइट्रो। अगर टू टाइम्स नाइट्रो है तो डाई नाइट्रो लिखेंगे, थ्री टाइम्स क्लोरो है तो ट्राई क्लोरो, फोर टाइम एथिल है तो टेट्रा एथिल। इस तरीके से अपन इनका नामकरण कर सकते हैं। अब अपन नॉर्मल क्लेचर पढ़ते हैं कि किस तरीके से इनका नामकरण करते हैं, एल्केन, एल्किन और एल्काइल। अपन तीनों का एक साथ में पढ़ेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला, एल्केन अभी बताया था, CnH2n+2। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद एल्काइल का, एल्किन का, CnH2n, फिर एल्काइन का CnH2n-2 एंड इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, एंड क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद सेकंड, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्टेड फॉर नेमिंग, यानी जब भी अपन नामकरण करते हैं तो सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले एल्किन के, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी किधर भी जाओ मैक्सिमम कितने हैं, 3। तो अपन 3 के लिए इसका नाम 1 2 3। तो इसका अगर नाम देते हैं अपन तो इसको देते हैं 2-डाइमेथिल
प्रोपीन, प्रोपीन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। जैसे उसके बाद है, इफ टू और मोर चेन हैव सेम कार्बन एटम देन मोर सब्स्टिट्यूएंट्स कंटेनिंग चेन सिलेक्टेड। यानी कि इसमें जैसे थ्री नंबर आ रहा था किधर से भी लो, तो अगर अपने पास कई बार क्या होता है कि अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए होते हैं, तो उसके आधार पे भी अपन इसके नेमिंग करते हैं। उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन फर्स्टली यूजिंग देयर प्रीफिक्स, के प्रीफिक्स को पहले लेते हैं। इफ द नंबर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आर मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा है, जैसे अपने यहाँ पे क्या थे मेथिल टू टाइम था, तो अपन ने डाई मेथिल लिख दिया, डी आई डाई मेथिल। उसके बाद मिनिमम नंबर इज गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ये नजदीक होना चाहिए। अगर ये चेन अपनी लंबी होती इस तरीके से, तो इसको इधर से ही अपन काउंट करते हैं, वन इधर से काउंट करते हैं, जिससे इसको नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद एट द टाइम ऑफ रिटिंग द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कोमा इज रिटन बिटवीन टू नंबर्स, अगर यहाँ पर नंबर्स टू होते हैं तो उनके बीच में कोमा लगाते, और जब नंबर और समूह के बीच में हाइफन हाइफन लगाया जाता है। इसी तरीके से एल्कीन के बारे में हो जाता है और एल्काइन, बाकी सबके बारे में सेम होता है। जब एल्कीन और एल्काइन क्या करते हैं, तो अपन जो ये देखते हैं सब्सटेंस, इसी तरीके से अपन देखते हैं इनका जो डबल बॉन्ड होता है जिसके पास होता है, वो अपन उसी को पहले नंबर देते हैं। यानी कि जो डबल बॉन्ड होता है वो वन टू इनके पास वाले कंपाउंड के पास में होना चाहिए। यानी कि एज ए सब्सटेंट का जो इसमें लगता है एल्कीन में, एल्केन में, वही फॉर्मूला इनमें लगता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, बाकी सेम ऐसा का ऐसा डेटा रहता है।